हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको बताऊंगी विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर हम यहाँ पर पहले सर्च करते हैं, फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वैकेंसी एप्लीकेशन डेट्स एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है जैसे कि हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, सिलेबस, आंसर की रिजल्ट, सेलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी, अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानना तो फिर आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आप उस पेज में ओपन हो जाएंगे। आप लिखा है व्हाट इज़ विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट, तो ये क्या है, इसको किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था, उन सब के बारे में यहाँ पे है। फिर हाईलाइट्स क्या होते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द बैंक, एप्लीकेशन मोड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वैकेंसी, लोकेशन ऑफ जॉब, सैलरी स्केल, ऑफिशियल साइट, फीस ऑफ एप्लीकेशन एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब होते हैं हाईलाइट्स। यहाँ पे उसके ऊपर डिटेल्स में दिया गया है उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, रिजल्ट, एग्ज़ाम, इंटरव्यू, किसी भी चीज़ का डेट निकलता तो फिर आपको इस वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर भी वही है कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है तो फिर आपको उस नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। फिर वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसमें 30 पोस्ट रहते हैं। फिर यहाँ पर है एलिजिबिलिटी, यहाँ पे 3 टाइप्स के एलिजिबिलिटी होते हैं, एक एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और नेशनलिटी, यहाँ पे दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर यहाँ पर पे स्किल कितना आपको पे करना रहता है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म आउट किस तरह से फिल करना रहता है, इसका कब डेट आता है और कौन से वेबसाइट्स के थ्रू आपको फिल करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे। फिर एग्ज़ाम फीस, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग फीस भी होते हैं। फिर यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं, जैसे लेफ्ट थंब देनी रहती है, हैंड राइटिंग देनी रहती है, अटैच फोटो एंड सिग्नेचर, ये 4 चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स में देनी रहती है। उसका साइज़ भी देख के देनी रहती है, मतलब इतने साइज़ का होना चाहिए। फिर एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के 15 डेज पहले मिलना स्टार्ट होता है, और आपको कौन से वेबसाइट्स है ये डाउनलोड करना है और इसमें क्या क्या फिल करना रहता है, क्या क्या इसमें रहता है, उन सब के बारे में। फिर यहाँ पे है एग्ज़ाम सेंटर, आपका सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है, जैसे कि विशाखापट्टनम जा सकता है, फिर विजयवाड़ा, हैदराबाद, तिरुपति और कुरनूल और काकीनाडा, इन सब प्लेसेस में आपका सेंटर जा सकता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेबस, कौन कौन सा सिलेबस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर लिखा है, जैसे कि रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, क्वांटिटी है, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं। फिर आप प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, उन सब के बारे में। फिर आंसर की जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, पोस्ट नेम, रीजनिंग, डेट ऑफ एग्ज़ाम की, सॉरी आंसर की कैटेगरी, ऑफिशियल वेबसाइट एंड जॉब लोकेशन। फिर यहाँ पे भी वही है आंसर की के बारे में, यहाँ पे भी वही है। फिर रिज़ल्ट कब निकलेगा, रिज़ल्ट जब भी रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा इस वेबसाइट के थ्रू, कौन सी वेबसाइट से देखना, किस तरह आपको डाउनलोड करना है, और आपको रिज़ल्ट को बाद में प्रिंट भी करना है आपको फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी है। फिर सेलेक्शन प्रोसेस, अगर आपका एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आए तो फिर आप इसमें सेलेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे आंसर्स हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सैलरी, अलग अलग पोस्ट की सैलरीज भी, जैसे यहाँ पे लिखा है
35,000 अदर बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स, मतलब आपको 35,000 मिलते हैं पेमेंट मंथली। फिर आपके कुछ फैक्स क्वेश्चन भी दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।